मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड 6 का साइंस सब्जेक्ट लेसन नंबर 11 लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन। लेसन नंबर 11 का नाम है लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन। लाइट लाइट क्या होता है बेटा, आपको मालूम है लाइट क्या होता है? लाइट जो चीज हम देख रहे हैं, हम कुछ भी जो देख रहे हैं वो लाइट के बिना हम नहीं देख पाएंगे। जब तक वो लाइट आपकी आंखों में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, रिफ्लेक्शन होने के बाद आपको लाइट उस थिंग्स का शेडो दिखाई देगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या चीज है। कोई भी चीज, आप कोई भी अपने घर में थिंग्स देखते हो, ऑब्जेक्ट देखते हो, तो वो कैसे देखते हो? लाइट से देखते हो। लाइट जो होती है, लाइट प्रकाश कहीं में भी, जब तक वो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होता है आपकी आंखों में, रिफ्लेक्शन उसका लाइट लाइट का नहीं पड़ता है, फिर तब तक वो चीज थिंग्स आप नहीं देख सकते हो। आप ढेर सारी चीजें जो है चारों तरफ देखते हो, कहीं भी जाते हो, अराउंड यू कितनी चीजें आपको, अभी आप इसको अपने घर से स्कूल आते हो, स्कूल आते समय भी आपको ढेर सारी दुकानें दिखती हैं, पेड़ पौधे दिखते हैं, सड़क दिखती है, उसके उस पर चलते हुए बस कार, ये सारी चीजें दिखती है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आपको दिखती कैसे? सबसे बड़ा मिरर हमारे आंख है। आंख के बिना हम कुछ भी पहले तो देख नहीं सकते, इसलिए हमें तो सबसे पहले अपने आंख को संभाल कर रखना है। ये हमारा गॉड गिफ्टेड है, भगवान की तरफ से हमें आंख जो है ना गिफ्ट में मिला हुआ है, और ये आंख सबसे बड़ा साधन है कोई भी चीज को देखने के लिए। लेकिन कब जब भी कोई भी हम थिंग्स, कोई भी ऑब्जेक्ट हम देखते हैं, उसको देखने के लिए हमें प्रकाश की जरूरत पड़ती है, लाइट की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? लाइट की। वो लाइट आपकी आंखों में रिफ्लेक्ट होता है। हमारा आंख में एक मिरर है, कैमरा है, उसमें रिफ्लेक्ट होता है वो लाइट। फिर उसके बाद हम कोई भी चीज को देखने के लिए सक्षम रहते हैं। ये दूसरी बात तो सारे आपको बहुत पहले से साइंस में पढ़ते आ रहे हो कि हर एक चीज जो है हमारे ब्रेन से भी जुड़ी है। ब्रेन आपको जो है हमेशा कमांड करता रहता है कि आपको ये थिंग्स देखना है, आपको ये टेबल देखना है, आपको ये चेयर देखना है, आपको अपनी बुक्स के में लिखी हुई लिखावट को देखना है। तो ये जो है ब्रेन आपको कमांड करता है, तब आप वो चीज देख सकते हो, पढ़ सकते हो। और उसमें देखने पढ़ने के लिए आपको लाइट की बहुत जरूरत होती है। कभी भी आप किसी अंधेरे कमरे में बैठ जाओ, अंधेरे कमरे में बैठने के बाद आप क्या देखते हो कि आपको कुछ भी आजू बाजू नहीं दिखाई देता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। फिर क्या करते हो? लाइट चालू करते हो, चाहे वो टॉर्च जलाओ, चाहे आप इलेक्ट्रिक बल्ब जलाओ, चाहे इलेक्ट्रिक ट्यूबलाइट जलाओ, चाहे कैंडल जलाओ, तब वो थिंग्स आपको दिखाई देते, क्योंकि जैसे ही लाइट उस थिंग्स पे पड़ता है, उस ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, उससे जो है आपको तुरंत वो चीजें दिखाई देती है, वो चीजें कहलाती है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या कहलाती है उसको? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जो चीज आपको दिखती है लाइट पड़ने पर आपको दिखाई देती है, वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ऑप्टिक ऑब्जेक्ट्स किसको कहते हैं? जो चीज हमें लाइट पड़ने के बावजूद भी दिखाई नहीं देती, वी कैन नॉट सी, मैं हम लोग इसको देख नहीं सकते हैं, वो चीज जो है हमारा ऑप्टिक ऑब्जेक्ट्स में आ जाता है। ऑप्टिक ऑब्जेक्ट्स और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ये दो चीज जो है बिल्कुल
दोनों डिफरेंट में आता है कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देती है और ऑप्टिक ऑब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं देती। अब ऑप्टिक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में ना हमारे आसपास जो भी चीज आपको दिखती है वो सारी चीजें उसमें आती है, और ऑप्टिक ऑब्जेक्ट में वो चीज वो सारी चीजें जो आपको नहीं दिखाई, जैसे आपके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स, आपका बॉडी है, बॉडी का इंटरनल ऑर्गन, वो आपको नहीं दिखाई देता है, तो कौन सा ऑब्जेक्ट कहलाएगा? वो कौन सा ऑब्जेक्ट कहलाएगा? ऑप्टिक ऑब्जेक्ट। जो चीज हमें नहीं दिखाई देती है वो चीज ऑप्टिक ऑब्जेक्ट में कहलाती है, और जो चीज हमें दिखाई देती है वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? ट्रांसपेरेंट जो वो थिंग्स जिससे हम आर पार देख सकते हैं, कोई भी चीज को हम आर पार देख सकते हैं वो थिंग्स ट्रांसपेरेंट कहलाता है। ट्रांसपेरेंट ग्लास, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक, विंडोज आपने देखे हैं, विंडोज के अगर विंडो में व्हाइट शीशा लगा हुआ है, व्हाइट कांच लगा हुआ है, तो आप जो है विंडो के पार भी बंद करके भी आप कुछ भी देख सकते हो, लेकिन अगर आपके विंडो में कलरफुल शीशा लगा हुआ है, ब्लैक शीशा लगा हुआ है, तो आप बाहर तो देख सकते हो लेकिन आप अंदर हो ये कोई आपको नहीं देख सकता, तो ट्रांसपेरेंट नहीं है। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि हम आर पार जो है देखें तो पीछे पार वाला भी इंसान को आर पार देख सके, तो वो ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक है, नहीं तो वो हमारा ऑप्टिक ऑब्जेक्ट्स में आ जाता है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ऑप्टिक ऑब्जेक्ट्स वी कैन नॉट सी थ्रू एट ऑल, इट इज transparent object if you able to see clearly through an object, it is called, it is allowing light to pass, किसी से भी किसी वो things से light आराम से pass हो सके, आर पार हो जाए through हो, उसको हम transparent object। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट उसी को हम बोलते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आता है ट्रांस through
ट्रांसपेरेंट के बाद, ट्रांसपेरेंट के बाद ट्रांसप्लेंट है। ट्रांसप्लेंट जिस तरह से ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट से ये शब्द बना है ट्रांसकुलेंट। बट ट्रांसकुलेंट में क्या होता है कि सम ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन सी, कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जो आपको दिखाई देते हैं बट नॉट क्लियर, पर आपको वो साफ नहीं दिखाई देते। सच ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड ट्रांसकुलेंट। उस ऑब्जेक्ट को हम ट्रांसकुलेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। व्हेन जब कोई ऑब्जेक्ट पे लाइट थ्रो और पास आउट होता है, वो आपको दिखाई देता है बट क्लियर नहीं दिखाई देता है, वो उसको हम कहते हैं ट्रांसकुलेंट ऑब्जेक्ट। आपको समझ, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ऑक्यू ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट एंड द ट्रांसकुलेंट ऑब्जेक्ट। ओके, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट समझ में आ गया और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट भी आपको क्लियर समझ में आ गया। और इसके बाद आपके टेस्ट बुक में काफी ढेर सारे एक्टिविटीज दिए हुए हैं, प्रकाश लाइट से रिलेटेड आपकी टैब उसमें बहुत ढेर सारे एक्टिविटीज दिए हुए हैं। एक एक्टिविटी आपको मालूम है, लाइट जो है वो हमेशा सीधी रेखा में चलती है, यानी स्ट्रेट लाइन में चलती है। लाइट जब भी लाइट आप कोई कमरा है, आपके घर में दो कमरे हैं, तो आप देखो उस दोनों कमरों में क्या होता है। एक कमरे में लाइट चालू करो और दूसरे कमरे का दरवाजा खोलो, तो जहां उसको जितनी जगह मिलेगी उतनी जगह पे वो लाइट जाएगी। ऐसा नहीं कि आपको अगर लाइट दीवार तोड़ करके भी आपको दूसरे कमरे में प्रकाश देगा, नहीं, दूसरे कमरे में प्रकाश देने के लिए आपको दूसरा लाइट चालू करना पड़ेगा। लेकिन एक कमरे से दूसरे कमरे में जहां तक उसको लाइट को अपनी जगह मिलती है वो उसी रेखा में सीधी सीधी जाता है। चाहे आप एक लाइन से आपके तीनों कमरे हैं, तीन कमरे हैं, एक कमरे का सबसे लास्ट वाले कमरे का लाइट ऑन करो, तो जितना गेट दिखाई देगा, गेट की जितनी जगह मिलेगी उतनी ही जगह पे वो लाइट सीधी पड़ती है। इसी से पता चलता है लाइट हमेशा सीधी रखनी पड़ती है। इसके लिए एक एक्टिविटी आप कर सकते हो, आप कैंडल या टॉर्च के चारों तरफ जो है गोल कर दो, गोल एक पेपर का, पेपर फोल्ड करके रखो, एक पेपर फोल्ड करके रखोगे तो आप क्या देखते हो कि जितनी दूर में लाइट जो है चारों तरफ से घिरा हुआ है और जितनी दूर में आपको जिस जगह दिखाई देता है उसी जगह पे आपको लाइट आगे मिलेगा। आपकी बुक में एक्टिविटी नंबर 6 में ये एक्टिविटी दी है। आपकी बुक में इस एक्टिविटी में, एक्टिविटी 6 में जो है ये एक्टिविटी दी गई है। इसी से पता चलता है कि लाइट जो है हमेशा सीधी रेखा में चलता है। आप देखो, एक उसने फोल्ड करके पेपर कैंडल के सामने रखा हुआ है, कैंडल के सामने रख करके फोल्ड करके पेपर को देख रहा है, उसको लाइट दिख रही है। फिर देखो उसने सेकंड पिक्चर में क्या किया, क्या जो है इसका पेपर है उसको थोड़ा सा नीचे की तरफ फोल्ड कर दिया, तो भी जहां से वो चित्र जा रही है उधर से ही लाइट आ रही है। ऐसा नहीं कि कैंडल जल रहा है, कैंडल से जो है लाइट सीधी उसके ऊपर। तो ये काफी ढेर सारी एक्टिविटीज है। इससे लाइट सबसे पहला क्या है कि लाइट हमेशा जो है वो सीधी रेखा से चलती है, यानी कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। इस लेसन से रिलेटेड कुछ ऐसे वर्ड्स जिसके बारे में एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं।
लाइट और शेडो से रिलेटेड ये सारे वर्ड्स हैं, जैसे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया कि जो ऑब्जेक्ट हमें प्रकाश पड़ने पर लाइट पड़ने पर दिखाई देती है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और मिरर जो है शीशा, कोई भी सी जो है आप जो है वो एक मिरर का रूप लेता है और मिरर जो है इसमें रिफ्लेक्ट पड़ता है लाइट का तो हमें कोई भी चीज दिखाई देती है। आप लोगों ने एक बार कभी गौर किया कि एम्बुलेंस जो रास्ते में जाती है, एम्बुलेंस एम्बुलेंस क्या होता है, एम्बुलेंस एम्बुलेंस में स्पेलिंग जो है वो हमेशा उल्टा दिखा देता है। आपने कभी गौर किया एम्बुलेंस जा रही है तो एम्बुलेंस के ऊपर जो एम्बुलेंस लिखा हुआ है वो स्पेलिंग उल्टी हुई है, क्यों? क्योंकि वो उल्टी स्पेलिंग जो है वो दूसरा जो व्हीकल उसके आगे जा रहा है वो जब उसके व्हीकल के मिरर पर, दोनों मिरर पर जब उसका रिफ्लेक्शन पड़ेगा तो वो स्पेलिंग बिल्कुल सीधी दिखाई देगी। दैट मीन्स वो एम्बुलेंस है, तो वो पर्सन को समझ में आ जाएगा कि हमें ये एम्बुलेंस को आगे जाने देना है, क्योंकि एम्बुलेंस है तो इमरजेंसी के लिए होता है, कोई भी पेशेंट है जो बहुत सीरियस है उसको ही हम ले जा सकते हैं, तो हमें उसको आगे की तरफ देना है। ठीक, मिरर उसी को बोलते हैं, मिरर मेरी हमारी आंखें की क्या है, एक मिरर है, एक शीशा है। फिर उसके बाद आता है ऑब्क्यू, ऑब्क्यू ऑब्क्यू भी क्या है, जो ऑब्जेक्ट हमें प्रकाश पड़ने पर भी दिखाई नहीं देता है वो। फिर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन शैडोज, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसपेरेंट, और लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, लाइट जो है हमेशा सीधी रेखा में चलती है। ये बात हमें पता करना है कि ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट्स जो है वो कोई भी सीधी रेखा में जो चलती है राइट, वो इस बात को हमें हमेशा याद रखना है, लाइट ट्रेवल इन ऑलवेज स्ट्रेट। Shadows are formed when an obscure object comes into the path of light. Shadows तभी formed होता है, तभी आपके आंखों में shadows किसी का दिखाई देता है जब उस path पर light पड़ती है। Shadows are formed when an obscure object, कोई भी obscure object है उस पर comes into the path of light, तो वो आपको shadow formed करती है। ठीक है, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करती है।
मिरर रिफ्लेक्शन गिव्स अस क्लियर इमेज। मिरर आपको हमेशा साफ इमेज दिखाई देती है। अभी आप देखो आपके घर में जो है शीशा है, आपके घर में शीशा है, ठीक है, शीशा में डस्ट है, मान लो डस्ट है, उस डस्ट को साफ कर जब तक की करोगे तब तक आपको वो क्लियर इमेज नहीं है। आप डस्ट को साफ कर दो आपको इमेज पूरा क्लियर दिखाई देगा। तो ये लेसन है, नेक्स्ट लेसन में हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट लेसन इसकी एक्सरसाइज से रिलेटेड है।